यहाँ पे हम लेंगे चना दाल, आप देख सकते हैं ये आधी कप चना दाल ली है मैंने, और इसमें हम मिलाएंगे आधी कप धुली हुई मूंग दाल। तो इन दोनों को मैंने मिला दिया है। अब हम थोड़ा पानी लेकर इसे अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो लेंगे। तो ऐसा हमें 3 से 4 बार करना है, जब तक कि इसमें गंदा पानी निकलना बंद ना हो जाए, तब तक हम इसे अच्छे से इस तरीके से हाथों से मसलते हुए धो लेंगे। आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो गया है, इसलिए हमें इसे धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम इसे 2-3 बार धो लेते हैं। तो ये मैंने दाल धोकर तैयार कर ली है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 से 1.5 कप पानी, और इसे हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक भीगने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये मैंने इसे ढक दिया है। आप 1.5 घंटे बाद आप देख सकते हैं दाल अच्छे से फूल चुकी है। तो यहाँ पे हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें ये दाल डाल लेंगे। अब इसमें साथ में हम डालेंगे अदरक के टुकड़े और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपनी पसंद के हिसाब से डालें, आप जितना खाना पसंद करते हैं। तो हम इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, और इसे इस तरीके से आप देख सकते हैं दरदरा पीसना है। इसे हमें बिल्कुल पेस्ट कंसिस्टेंसी में नहीं पीसना है। आप देख सकते हैं ये मैंने इसे दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम बाकी की दाल भी पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी दाल पीस कर तैयार कर ली है। अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें, और मिर्च डाली है यहाँ पे मैंने, और साथ में हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। यहाँ पे मैंने साबुत जीरा लिया है, अजवाइन ली है, और साथ में हम डालेंगे इसमें सौंफ, जिससे वड़ों का फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। तो ये मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब साथ में इसमें हम डाल देंगे हींग। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर हींग ली है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, हमें इस पेस्ट में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, हमें इसे इसी तरीके से मिक्स करना है। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम वड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम किया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक बड़ा डाला है। तो हमें दोस्तों बड़ा थोड़ा मोटा डालना है, यानी कि बहुत पतले बड़े नहीं बनाने हैं हमें, क्योंकि हम इसे आगे फिंगर्स में कट करेंगे, तो हमें थोड़े मोटे मोटे ही बड़े फ्राई करने हैं। तो अब इसे एक बड़ा हम और डालते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से हमें बड़ा डालना है। अब इसे हम हर तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। इस वक्त आँच हमारी बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। अगर हम तेज़ आँच पर बड़ा फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे बड़े फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, और इसी तरीके से हम बाकी के सारे बड़े भी फ्राई कर कर तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने सारे बड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आप देखिए हमें इस तरीके से इन्हें फिंगर्स के शेप में कट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा लिया है, तो एक बड़े के हम 3 फिंगर्स बनाएंगे। तो इन्हें इसी थिकनेस में आप कट करें, जैसे कि मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो ये देखिए ये मैंने एक बड़ा काट कर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे बड़े भी काट कर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हों, तो आप इस तरीके से बड़े काट कर रख सकते हैं, और जब गेस्ट आने वाले हों तो आप इन्हें इंस्टेंट फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फिर से फ्राई कर लेते हैं। तो आँच हमारी धीमी है, तेल गुनगुना है, तो हम इसमें ये फिंगर्स डाल देते हैं, और इन्हें क्रिस्प होने तक हम उलट पुलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
तो देख सकते हैं आप, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर पर। तो आप चाहें तो इन्हें आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को? पसंद आई ना? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे मैंने ली है भिगोई हुई चने की दाल। ये 1 कप दाल है जिसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ दिया था, और इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसे हम कुकर में डालकर 1.5 कप पानी डालेंगे, और साथ ही इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, और इसे 2 विसल आने तक हम लिड लगाकर पकाएंगे। और दोस्तों, हमें ध्यान रखना है, जैसे ही विसल आ जाए हमें इसकी स्टीम रिलीज़ कर देनी है, वरना ये दाल बहुत ज़्यादा पक जाएगी। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो लिड लगाकर हम इसे 2 विसल तक पकाते हैं, और फिर इसकी स्टीम रिलीज़ कर देंगे हम। तो मीनवाइल हम अदर प्रिपरेशंस कर लेते हैं। ये मैंने पोहे लिए हैं जिन्हें मैं अच्छे से पानी डालकर धो लूँगी। तो इन्हें आप 2-3 पानी से ज़रूर धोएं, ये इसमें बहुत गंदगी होती है। इसे धोकर हम इसका सारा पानी निकाल कर इसे एक छलनी में डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए हम इसे का पानी निकाल देते हैं। तो ये देखिए, इसे छलनी में डालकर हम इसे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं उबले हुए ग्रेट किए हुए पोटैटोज़। तो आप चाहें तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं, मैंने इनको ग्रेट किया हुआ है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे चावल का आटा। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैंने चावल का आटा इस्तेमाल किया है, अब साथ में इसमें हम डालेंगे भिगोए हुए पोहे जो हमने भिगो कर रखे हुए थे। ये सारी चीज़ें ही टिक्की को बहुत क्रिस्पी बनाएंगी दोस्तों, तो आप ये स्टेप मिस ना करें बिल्कुल भी। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही इसमें डालेंगे कसूरी मेथी जो टिक्कियों को बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। तो इन्हें इस तरीके से क्रश करके डालें। अब इन सारी चीज़ों को बहुत ही जेंटल हाथों से मिक्स करते हुए हमें एक डो तैयार करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे मिक्स करें ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। तो ये डो हमारा बनकर तैयार है। मीनवाइल हम दाल भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, दाल बिल्कुल खड़ी खड़ी है, ये बिल्कुल भी ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुई है। तो अब हम इसका सारा पानी स्ट्रेन कर देते हैं, और इसे स्ट्रेनर में ही हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद ये दाल अच्छे से ठंडी हो चुकी है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसकी सीजनिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी घिसा हुआ अदरक। आप चाहे तो अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया अभी सीजन में भी है, और आप इसे ढेर सारा डालें क्योंकि ये इस मसाले को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। तो हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच नमक। नमक हमें दिमाग में रखते हुए डालना है क्योंकि हमने मसाले में भी डाला हुआ है। तो साथ में हम इसमें डालेंगे काला नमक, और मैंने डाला है इसमें गरम मसाला, जीरा पाउडर डाला है मैंने, और साथ ही इसमें डालेंगे हम काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर। और साथ ही इसे एक बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। आप चाहें तो अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो यह हमारा एक बहुत ही स्पाइसी मसाला तैयार हो गया है। इसे हाथों से इस तरीके से क्रश करते हुए हमें मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरीके से इसे क्रश करते जाइए, और इसे मिक्स करना है हमें। तो ये हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है। तो चलिए हम टिक्किया बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने हाथ अपने ग्रीस कर लिए हैं। अब हम एक बॉल साइज पोर्शन लेंगे,
और इससे एक पैटी बनाकर तैयार करेंगे हम। तो इसे इस तरीके से दबाते हुए हमें बीच में एक कटोरी का शेप देना है ताकि हम इसमें फिलिंग फिल कर पाएँ। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। अब इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए हमें अंदर की ओर टक करना है, तो हमें अच्छे से इसे सील करना है ताकि मसाला बाहर ना आने पाए और टिक्कियाँ फटे ना। तो इसे अच्छे से हमें सील करना है। तो ये हमारी एक टिक्की बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। इसी तरीके से हम बाकी सारी टिक्कियों को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब इन्हें हम फ्रिज में 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए रखेंगे। तो 20 मिनट के बाद ये टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है, अब इसमें हम टिक्की फ्राई करेंगे। हमें आंच धीमी रखनी है और इन्हें बीच बीच में उलट पुलट करके हमें हर तरफ से इन्हें अच्छे से सेक लेना है। तो ये देखिए हमारी ये टिक्की अच्छे से ब्राउन हो चुकी है और ये बहुत क्रिस्पी हो चुकी है। तो अब इन्हें हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ ये टिक्की अंदर से देखने पर कैसी लगती है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ, और आप चाहें तो इसे रगड़ा के साथ भी चाट भी बनाकर खा सकते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी यहाँ पे इसकी दही चाट, जो कि बहुत ही यम्मी लगती है और आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम दही चाट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें इसे इस तरीके से हल्का सा क्रश करना है। आप थोड़ा केयरफुल रहें क्योंकि इस वक्त ये गर्म होती है। ऊपर से हम इसमें डालेंगे दही। दोस्तों, मुझे पर्सनली ये रगड़ा से ज़्यादा अच्छी दही चाट लगती है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से मैंने इसमें डाला है ये मिक्स मसाला जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, जिसकी रेसिपी मैंने यहाँ पे दे दी है। और ऊपर से हम डालेंगे इसमें खट्टी मीठी चटनी, पुदीने की और हरे धनिया की चटनी, और साथ में मैंने डाला है यहाँ पे कुछ ग्रेटेड सैलड्स जो कि मैंने क्यूकम्बर, कैरेट और बीट रूट से बनाकर तैयार किया हुआ था, जो इसे एक बहुत ही कलरफुल टेक्सचर देगा। और ऊपर से हम इसमें गार्निश करेंगे हरा धनिया और सेब के साथ। तो लीजिए दोस्तों, हमारी ये दिल्ली वाली चाट बनकर तैयार है। यहाँ पे इन मछलियों को बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। तो हम एक बोल में 1.5 कप मैदा ले लेते हैं। आप चाहें तो इस मटरी को आप आटे के साथ भी बना सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे डाला है 3/4 टीस्पून सॉल्ट। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। और साथ में मैंने इसमें इस्तेमाल की है पिज़्ज़ा सीजनिंग की, और साथ में मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर की मटरी बनाई है। ये बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आने वाली है, तो इस दिवाली आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप ऑयल। ये रेगुलर वेजिटेबल ऑयल है जो हम घर में सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ये वही वाला ऑयल है। तो अब हम सारी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें इस वक्त मॉइन को अच्छे से मिक्स करना है। मॉइन जो हमने तेल डाला है उसको कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मॉइन अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये आटा अच्छे से कंबाइन हो रहा है। इसका मतलब हमारा मॉइन अच्छे से मिक्स हो चुका है आटे में। तो अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ी चीज़ क्यूब। इस तरीके से हम इसमें ग्रेट करके डाल देंगे।
तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल किया है। अब इसे भी हम अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें मिलाएंगे पानी ज़रूरत के अनुसार। हमें एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है, ना ही हमें बहुत हार्ड डो बनाना है और ना ही बहुत सॉफ्ट बनाना है। तो हम इसी अनुसार पानी डालेंगे और एक स्मूथ डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे डो बनकर तैयार है और इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट के बाद हमारा डो भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। तो हम इसे एक बार फिर से नीट कर लेते हैं। और अब हम इसके चार पोर्शंस में इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले यहाँ पे मैंने इसको दो टुकड़ों में डिवाइड किया है और अब हम इसे चार टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। बेसिकली हमें इसकी एक रोटी बेलनी है। अगर आप बड़ी रोटी बेल सकते हैं तो आप इसके दो ही टुकड़े करें। तो चलिए अब हम इसकी चपाती बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लोई ले ली है और इसे हम फ्लैट करके बेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी, छोटी रोटी बेलकर तैयार कर ली है और इसे कट करने के लिए मैंने इस तरीके के एक शॉर्ट ग्लास का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसे किसी भी कटर के साथ भी कट कर सकते हैं या किसी डब्बे के ढक्कन के साथ भी कट कर सकते हैं। तो अब हम एक्स्ट्रा जो आटा है उसे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारी छोटी छोटी ये मठरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये ऑलरेडी कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो इसी तरीके से हम सारे आटे को रोल कर कर इनके मछलियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आप इनकी थिकनेस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी मछलियों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो वक्त है इनको फ्राई करने का। तो चलिए हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमें सिर्फ गुनगुना गर्म ही चाहिए, हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, मैं यहाँ पे फिर से कह रही हूँ, हमें ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए, सिर्फ गुनगुना तेल गर्म चाहिए। तो हमारा तेल यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं गुनगुना है। तो इसी वक्त हम इसमें सारी मठरियों को छोड़ देंगे और हम इन्हें बैचेस में फ्राई कर लेंगे। तो एक बार फिर कढ़ाई में जितनी मठरियाँ आएंगी मैं उतनी ही डालूँगी। और आँच भी हमारी बिल्कुल धीमी है इस वक्त, और धीमी आँच पर ही हमें इन मठरियों को फ्राई करना है, तभी ये अच्छे से फूल कर क्रिस्प हो पाएंगी। तो देख सकते हैं मठरियाँ ऊपर फ्लोट करने लगी है। तो इसी वक्त हम इन्हें पलट देंगे और पलट के हर तरफ से हम इन्हें धीमी आंच पर गोल्डन होने तक इसी तरीके से फ्राई करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फूल कर कितनी बड़ी हो चुकी है और इन पर अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो चलिए अब हम इन्हें एक टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी मछलियों को निकाल लेते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, इसके बाद हमें गैस को स्विच ऑफ कर देना है। जब तक कि तेल हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आ जाता है, हमें गुनगुने तेल में ही दोबारा से मछलियाँ फ्राई करनी है। तो इसी तरीके से हम सारी मछलियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मछलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये यूज़फुल लगती है, आप इसे ट्राई करते हैं, तो इंस्टाग्राम का हैंडल मेरे स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग करें और आप देख सकते हैं कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। आज हम बनाएंगे मेथी बेसन मठरी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। ये एक मसालेदार मठरी है जिसे आप इवनिंग स्नैक में इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी बहुत ही आसान है और उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप मैदा और अब हम इसमें मिक्स करेंगे आधा कप बेसन। जो हम रेगुलर घर पे बेसन इस्तेमाल करते हैं, ये वही वाला बेसन है। और इसमें अब हम मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक और एक छोटी सी पिंच हल्दी की, और साथ में हम इसमें डालेंगे दरदरा कूटा हुआ ब्लैक पेपर। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे ब्लैक पेपर का यानी कि काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना है, हम इसे दरदरा कूट के डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ में हम इसमें डालेंगे अजवाइन, जिसे मैंने हथेली पे रब करके डाला है, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो अब हम इसमें और इसको मसालेदार और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम मिलाएंगे कसूरी मेथी,
यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी का ऐड किया है। और अब हम इसमें इसको खस्ता बनाने के लिए ऐड करेंगे देसी घी। तो यहाँ पे आप चाहें तो ऑयल ऐड कर सकते हैं, बट ये ऑयल से इतनी खस्ता बनकर तैयार नहीं होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने 2.5 टेबलस्पून देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे गुनगुना पानी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 टेबलस्पून पानी डाला है। हम सारा पानी एक साथ नहीं ऐड करेंगे, जैसे जैसे हमें लगेगा हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ल्यूक वॉर्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी और ऐड कर रही हूँ। तो अब हम इसे एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 टेबलस्पून पानी और ऐड कर रही हूँ। तो ये हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, हमारे डो ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो चलिए हम इसे एक बार हाथों से फिर से गूंद लेते हैं और अब हम इसे रोल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके छोटी छोटी लोइयां बनाकर इसे रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे एक साथ ही रोल कर रही हूँ और मीनवाइल मैंने इसी बीच में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हम इसे एक बड़ी चपाती के शेप में बेल लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रहे दोस्तों, हमें ज़्यादा पतली चपाती नहीं बेलनी है, हमें थिक ही बेलनी है। और आप इसे कट करने के लिए किसी कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक घर की कटोरी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे, जिससे ये देखने में और भी अट्रैक्टिव लगेंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी मछलियों को कट कर लिया है। अब हमें जो एक्स्ट्रा है उसे एक तरफ रखेंगे और उसे हम फिर से रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मछली की थिकनेस इतनी होनी चाहिए। अब हम इसे एक फोर्क लेके इस तरीके से पिक कर लेंगे ताकि ये और भी खस्ता बनकर तैयार हो। तो इसी तरीके से हम सारी मछलियों को पिक कर लेंगे। तो ये मछलियाँ बनकर बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारा आटा बच गया था उसे हम फिर से रोल कर लेंगे और इसी तरीके से रोल करके हम मछली तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी मछलियों को रोल करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राइंग के प्रोसेस में चलते हैं। तो सबसे पहले हम तेल को चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है फ्राइंग के लिए। तो हमें ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। ज़्यादा गर्म ऑयल में अगर हम मछलियाँ डालेंगे तो वो ऊपर से सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो आप देख सकते हैं हमें इसी तरीके का ऑयल चाहिए। तो अब हम धीमी आंच पर इन मछलियों को फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले मैं एक बैच फ्राई कर रही हूँ। तो अब हम इन्हें तब तक रहने देंगे जब तक ये ऊपर फ्लोट नहीं होने लगती। अब आप देख सकते हैं मछलियाँ ऊपर की तरफ आ गई हैं। तो अब हम इन्हें धीरे धीरे पलट देंगे। इसी तरीके से हम धीमी आंच पर इन्हें उलट पुलट के हर तरफ से जब तक ये अच्छे से क्रिस्प ना हो जाए तब तक हम इन्हें सेकते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी मछलियाँ कुछ ही मिनटों में अच्छे से सिक कर तैयार हो चुकी हैं। ये कितनी खस्ता लग रही हैं, देखने में ही इतनी खस्ता लग रही हैं। तो आप यकीन मानिए ये मछलियाँ बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। तो मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने सारी मछलियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। और दोस्तों इसमें जो बेसन और मेथी का फ्लेवर है और जो हमने इसमें कूट कर डाली है काली मिर्च, उसका फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। तो अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तो इसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर शेयर करें। आई विल लव टू रिपोस्ट इट, मैं उसे ज़रूर पोस्ट करूँगी। मेरा हैंडल स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।